से सटे कल्याणवाड़ डोंबीवली इलाके में सोशल मीडिया पर दो नाबालिग बच्चों का वीडियो वायरल हुआ, जिस वीडियो में दोनों बच्चे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। मामला जन्मदिन का पोस्टर फाड़ने को लेकर है। बच्चे कबूल रहे हैं कि वीडियो में कि हमने एक नगर सेवक के कहने पर पोस्टर को फाड़ दिया है। इस घटना को संज्ञान में लेकर जब मानपाड़ा पुलिस ने जांच शुरू किया तो सामने दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। इन दोनों बच्चों को दो दिन पहले पिसवली का रहने वाला एक युवक ने दोनों का अपहरण करके बुरी तरह से मार मार कर बेदम कर झूठा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। केवल राजनीतिक फायदे के लिए वही नगर सेवक कुसाड़ पाटिल को बदनाम करने के लिए इस तरह के घिनौने काम को अंजाम दिया गया। इस खबर के बाद नगर सेवक कुसाड़ पाटिल ने कहा कि जो मुख्य आरोपी है उन्हें जल्द से जल्द पुलिस गिरफ्तार करके जेल भेजे। इस मामले में दो बच्चों को अपहरण करके इनके साथ मारपीट करके उनसे जबरदस्ती झूठ बुलवाकर जो वीडियो बनाया है उन आरोपियों के नाम विशाल पाटिल, आकाश गोइन और मानपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार करके इनसे पूछताछ करनी शुरू कर दी है। मतलब कुणाल पाटील शेटणी आणि बसूरने राहुल पाटीलच्या वाढदिवसाचा बॅनर फाडायला सांगितला आणि आम्ही नाशिकमध्ये होतो, त्यामुळे आम्ही त्यांचा बॅनर फाडला। मला बसूरबाईंनी आणि कुणाल पाटीलनी बॅनर फाडायला सांगितलेले राहुलभाई पाटीलचे यांचे वाढदिवसाचे बॅनर फाडायला सांगितलं। मला पकडी गेले, दोन जण पळून गेलेले आहेत, मला आता पकडला गेलेला आहे। प्लीज मला माफ करा, मी नाही करणार पुढच्या वेळी हे धंदे, प्लीज सोडून दे मला। माझं नाव श्याम कामदे मंडल, मी राहणार आहे गावडीतला। आम्ही डोंबिवली स्टेशनवरनं येत होतो, डोंबिवली स्टेशनवरनं येत होतो आम्ही कल्याणकडे निघालेलो आणि पिसवली गावाच्या इकडे आम्हाला एका फोर व्हीलरनी रेड कलरच्या वॅगनरनी अडवली आणि तिकडनं उतरले, त्याच्यातनं पाच जणं उतरले, त्या पाच जणांनी आम्हाला चापटी मुठी मारल्या, लाठी बिठी मारल्या आणि फोर व्हीलरमध्ये टाकला आम्हाला। त्याच्यातली दोन जणं गेली, तीन जणं फोर व्हीलरमध्ये आमच्याबरोबर चढली आणि आम्हाला गावात घेऊन गेले, पिसवलीच्या गावात घेऊन गेले, तिथे मारलं वगैरे आणि आम्हाला खोटी खोटी व्हिडिओ काढायला सांगितली की तुम्ही एक व्हिडिओ द्या आम्हाला, आम्ही तुम्हाला सोडून देतो आणि असे असे काही तुमचं काय असेल आम्ही करून देतो तुम्हाला तुमचं, तर तशी आम्हाला एक व्हिडिओ काढायला सांगितली। कोणत्याबद्दल? नगरसेवक कुणाल पाटील यांच्याबद्दल आम्हाला एक व्हिडिओ काढायला सांगितली छोटीशी, तर आम्ही घाबरू घाबरून एक व्हिडिओ काढली की आम्हाला त्या लोकांनी मारायची धमकी दिली पूर्ण, त्यामुळे आम्ही घाबरू घाबरून एक व्हिडिओ काढली, तर ती आम्ही घाबरू घाबरून ती व्हिडिओ दिली आम्ही काढून, तर त्या काय बोलायला सांगितलेलं व्हिडिओमध्ये? व्हिडिओमध्ये बोलायला सांगितलेलं की कुणाल पाटील नगरसेवकांनी आम्हाला सांगितलं की यो बॅनर फाडायला, आणि आम्हाला असं कुणाल पाटील नगरसेवकांनी असं सांगितलं पण नव्हतं आणि आम्ही कुणाल पाटील नगरसेवकांना ओळखत पण नाही, आम्ही या दादांना ओळखत पण नाही आम्ही, आम्हाला फोटो फोटो फसवला आणि व्हिडिओ काढायला सांगितलं आणि ती व्हिडिओ अशी अशी टाकली। दुसऱ्या दिवशी दादांनी आम्हाला बोललं तुम्ही हे केले का, तर आम्ही असं काही केलं नव्हतं, तर ते लोकांनी राहुल पाटीलने फोन करून बोलला त्यांचा की व्हिडिओ काढा करून, ते राहुल पाटीलने बोललं फोन करायला, फोन करून। किती जणं होते तुम्हाला मारायला? 20 ते 25 जणं होते आम्हाला मारायला, तर 20 ते 25 जणांनी सगळ्यांनी आम्हाला मारलं, हातापायानीच मारलं, बाकी कशाने नाही, एका एक दोन दांडे पण मारले आम्हाला व्हिडिओ काढताना, एक दोन दांडे पण मारले मागून काठी वगैरेने। कोणी ओळखीचा होता मारणाऱ्यांमध्ये? नाही, एकच होता, तो आकाश बोईर नाव आहे त्याचा, तोच होता फक्त ओळखी। अभी देखिए, दो दिन पहले से सोशल मीडिया पे जो दो लोगों की वीडियो वायरल हो रही थी उसमें सोशल मीडिया के माध्यम से मेरी जो बदनामी की जा रही थी, ऐसे ही बोलूँगा इस समय, तो उसको लेके मैंने पुलिस लोगों को जाके मेरे तरफ से मैंने मांग की कि ये जो दो लोग हैं इनको मैं पहचानता था, पहचानता भी नहीं हूँ, मगर ये लोग ये ऐसे क्यों कर रहे हैं मेरे बारे में, इसकी जांच होने के लिए मैंने वहाँ पर एक जाके एनसी करके एक गुना नोंद किया। उसके बाद पुलिस लोगों ने जांच शुरू किया। जांच में वो जो दो लड़के लोग थे, पुलिस लोगों ने उनको वहाँ से लेके आए जिधर भी थे, और उनको किसने कहने के लिए कहा था वो सब, कि कुणाल पाटील ने हम लोगों को ऐसे ऐसे बैनर
फाड़ने के लिए बोला था, ऐसा उनके पास से वीडियो शूटिंग में बोलने बोला था उनको। उनको मार के उनको गाड़ी में डाल के लेके आए, मारा उनको, मारा पीटा गया। तो ये सब पुलिस ने तपास किया। उसके बाद में वो सब झूठा है, उन्होंने ये सब ड्रामा किया था, ये पुलिस के सामने साबित हुआ है। और मेरी एक ही मांग है कि ये हमेशा हमेशा मेरे ऊपर, मेरे जो भाई है, मेरे चाचा है, मेरे फैमिली है, इनके ऊपर ये राजकीय क्षेत्र के राजकीय हेतु बोलूँ या सामाजिक बोलूँ, इसमें हम लोगों का जो नाम है वो किधर तो कम करने के इसमें ये लोग का ज़्यादा करके, मुझे ऐसा लगता है। कौन है, किसका हाथ है इसमें? देखिए, पहली बात, कुछ दिनों पहले वो महेश पाटिल मेरे हत्ते के सुपारी के इसमें वो अरेस्ट है। उसका जो भाई है अमोल पाटिल, उसने व्हाट्सएप पे वायरल किया पहला, तो मतलब उनका ये सब गैंग है, ये राहुल पाटिल, महेश दशरथ गायकवाड़, ये सब ये काम करते रहते। अन्य बार मुझे फंसाने का कोशिश किया, मगर पुलिस ने जांच किए, बार बार मैं बचते गया हूँ और अभी भी आज भी बच गया हूँ। कहने का इतना ही है कि पुलिस लोग जो चौकसी कर रहे हैं उनके ऊपर हम लोग को पूरा भरोसा है। अभी इसमें जो इसके पीछे कौन और है, नगर सेवक है, कोई आमदार है, कौन है, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसे हम लोग की मांग है। हम लोग को पूरा पुलिस के ऊपर विश्वास है। दो दिन पहले दो बच्चों को किडनैप करके आड़वली में एक जगह पे लेके उनसे जबरन वीडियो रिकॉर्डिंग किया था। उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि किसी यहाँ के लोकल नेता ने बोला है, लोकल कॉर्पोरेटर ने बोला है कि पोस्टर फाड़ने के लिए, इस तरह का वीडियो था, वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा था। और उन्होंने बोला कि हमसे जबरन किया गया था, इसीलिए हम डर के आए नहीं थे, लेकिन अभी आज हम कंप्लेंट लेना चाहते हैं। उनकी कंप्लेंट दर्ज की, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, उनमें विशाल पाटिल और आकाश भोयर, वो दो आरोपी हैं, और इन्वेस्टिगेशन चालू है।